हेलो व्यूअर्स, दिस इज राज एजुकेशन चैनल और आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब्स एग्जामिनेशन में जो चेंजिंग हुई है उसके लिए फैसला लिया गया उसके बारे में। तो यूनियन कैबिनेट जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जिसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करेगी और ये अभी सेटअप होगी। अब आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन भी आ रहे होंगे तो वो क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं को ही हम अभी कवर करेंगे। अब क्वेश्चन आपका सबसे पहला तो ये होगा कि ये जो गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं ये जितनी वैकेंसीज निकलती हैं ये सभी एंट्रेंस इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करेगा और हमें ये NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ज़रूरी क्यों है और इसका जो प्री एग्ज़ामिन के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो कितने टाइम तक वैलिड होगा और इसका मीडियम क्या होगा। तो कोई भी पर्सन है जब भी एग्जामिनेशन देता है वो सिंपल एक नहीं देता, अलग अलग डिफरेंट एजेंसीज के देता है। तो जब भी NRA सेटअप होगा तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसे अप्लाई करने के बाद ही, जिसको मतलब क्लियर करने के बाद ही पर्सन जो है अनदर वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएगा। अब CET जो है वो जैसे कि NRA में अभी आपको बताया कि वो हमारा कवर होगा तो उसमें हमारी जो एप्लीकेंट्स हैं वो ग्रुप BC और नॉन टेक्निकल पोस्ट जो है उनके लिए वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी तक जो है ये सभी जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो SSC, IBPS या RRB द्वारा करवाए जाते हैं। अब इस NRA में नेशनल रिक्रूटमेंट में ये तीन लेवल पर होगा, ग्रेजुएशन लेवल, हायर लेवल और मेट्रिकुलेशन लेवल। इनके अंदर जो है इन सबको लाया जाएगा, वो आप अभी भी दे रहे हैं लेकिन अभी आप अनदर जो अलग अलग वैकेंसीज उनके अंडर दे रहे हैं। हालांकि अभी जो SSC या RRB है, रेलवे भर्ती बोर्ड या IBPS है, उनका जो प्लेस है वो SAT से रहेगा, वो अभी वैसे ही बने रहेंगे लेकिन इसके थ्रू उन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जिन्हें अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा फीस भरनी पड़ती थी, उसका बर्डन उनके पे काफ़ी कम पड़ेगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी NRA की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की वो 3 साल के लिए होगी और ये वैलिडिटी डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन से शुरू हो जाएगी और इसमें आपके अटैम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी अटैम्प्ट कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन एज इट इज़ जैसे अभी है वैसे रहेगी। अब CET जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज में होगी। हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के मिनिस्टर हैं उनके अकॉर्डिंग, जितेंद्र सिंह हैं, ये 12 लैंग्वेज में होगी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में प्रोवाइड करवाई गई हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मिसेस निर्मला सीतारमन, उनके अनुसार हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। ये आपके फ्यूचर्स में आने वाली कुछ चेंजिंग हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। हमारी HP से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो वैसे ही रहेंगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।